हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे थे मिनरल रिसोर्स के बारे में। मिनरल्स में जो इंडिया में और वर्ल्ड में पाए जा रहे हैं, मेरे पास ऑब्वियसली ऑप्शन है कि मैं उस चीज को टाइप कर दूंगा वहां पर और आपको फटाफट दिखा करके आगे बढ़ सकता हूं। बट यहां पर याद नहीं होगा, मतलब बुक्स में भी आपको वो सारे के सारे माइंस देखने को मिल जाएंगे बट अगेन वो याद नहीं होगा। लेकिन अगर उसको आप एक बार सुन लेंगे, लिख लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आराम से वो सारे माइंस याद हो जाएंगे। थोड़ा सा टफ होता है इन सब चीजों को याद कर पाना, लेकिन अगेन यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको याद ही करना होगा। फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट डिस्कशन हमारी आती है बॉक्साइट के बारे में। फटाफट देख लेते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट एक्चुअली होती है क्या चीज? बॉक्साइट होती है एल्यूमिनियम का ओर। एल्यूमिनियम का ओर है, यहां से हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं। और एल्यूमिनियम आपको पता है कि अर्थ पे काफी अबंडेंट है, काफी ज्यादा पाई जाती है। तो उड़ीसा में काफी ज्यादा पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में सेकेंड नंबर पे, बाकी गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बहुत सारे इलाकों में पाई जाती है। इंडिया मैनेज करता है कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ हद तक हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सपोर्ट कर भी देते हैं। और एक्सपोर्ट हम लोग जनरली करते हैं किनको किनको? जापान को करते हैं, यूएसए को करते हैं और भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज को हम लोग करते हैं। तो देख सकते हैं कि हम लोग मेजर इंपोर्टर जो होते हैं वो इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, जापान है, कुछ इलाके आ जाते हैं। बाकी अगर बात करें हम लोग की कौन कौन से एरियाज में पाई जाती है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम मेनली पाई जाती है उड़ीसा में। तो उड़ीसा के फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से एरियाज हैं, जैसे क्योंझर हो गया, कालाहांडी हो गई, दिस इज बेसिकली कालाहांडी, क्योंझर हो गया, इसके अलावा कोरापुट हो गया, फिर सुंदरगढ़ हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इलाके हैं सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ के अलावा कुछ और भी इलाकों के नाम देख लीजिए, जैसे बोलंगीर हो गया, इसके अलावा संबलपुर हो गया। कुछ इलाके तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखे थे अपने बाकी मिनरल्स में और बाकी यहाँ पर आप याद भी कर सकते हैं क्या चीज है। बाकी छत्तीसगढ़ में भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है क्या चीज, एल्यूमिनियम। छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंज में हमें मिलता है, मैकाल रेंज हो गई, यहाँ पर हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। बिलासपुर में हमें देखने को मिलती है, बिलासपुर के अलावा दुर्ग में देखने को मिलती है, दुर्ग के अलावा अमरकंटक यहाँ पर है, तो अमरकंटक प्लेटू में भी हमें देखने को मिलती है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर हमें एल्यूमिनियम देखने को मिलती है। तो एल्यूमिनियम बेसिकली अगर देखें तो कहां पे मिलेगी, तो एल्यूमिनियम मिलेगी जहां जहां पठारी क्षेत्र होंगे, जहां प्लेटफॉर्म पाए जाएंगे वहां पर हमें देखने को मिलेगी। बाकी महाराष्ट्र में भी मिल जाती है, महाराष्ट्र भी अगेन डेक्कन का पार्ट हो जाती है और यहां पर भी मिल जाती है। कौन कौन से इलाके में? जैसे कोल्हापुर में हो गया, थाने में हो गया, कोल्हापुर हो गया, थाने हो गया, रत्नागिरी हो गया, इस रत्नागिरी के अलावा सतारा हो गया, सतारा के अलावा पुणे हो गया, इन इलाकों में हमें एल्यूमिनियम काफी ज्यादा मिल जाता है। बाकी झारखंड में भी हमें मिलता है। झारखंड में देख लेते हैं कौन कौन से इलाके में, ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ इलाके का नाम जानते ही हैं, जैसे सिंहभूम हो गया, पलामू हो गया, तो पलामू में हमें मिल जाती है, इसके अलावा हजारीबाग में मिल जाती है, रांची में मिल जाती है, क्लियर हो गया। तो ये वो इलाके हैं जहां पर हमें मिलती है। बाकी गुजरात में भी हमें एल्यूमिनियम मिल जाती है। तो गुजरात में कौन कौन से इलाकों में? जैसे जामनगर हो गया, भावनगर हो गया, तो जामनगर भावनगर हो गया, यहां पर भी हमें देखने को मिलती है। खेड़ा हो गया, अमरेली हो गया, जूनागढ़ हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इलाके हैं। दिस इज बेसिकली खेड़ा, जहां पर खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था। जूनागढ़ के बारे में देख लीजिए, जूनागढ़ का भी इतिहास काफी इंपॉर्टेंट रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इलाके हैं जहां पर हमें एल्यूमिनियम मिलती है। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा मिलती है हमें ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में आरहेम लैंड, ये जो ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, यहां पर काफी ज्यादा मिलती है हमें ऑस्ट्रेलिया में। सेकंड नंबर पे चाइना, चाइना में काफी ज्यादा मिलती है। थर्ड नंबर पे हमें मिलती है ब्राजील में, और फोर्थ नंबर पे हमें मिलती है कहां पर? गिनी में। तो दिस इज बेसिकली यहां पर गिनी, और यहां पर ये भी गिनी है और यहां पर भी गिनी पाई जाती है, बट ये अफ्रीका वाली गिनी है, यहां पर हमें काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है क्या चीज, बॉक्साइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेड के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेड, जिंक और टंगस्टन के बारे में। तो बेसिकली हम लोग इसमें लेड को देखेंगे, जिंक को देखेंगे और टंगस्टन को देखेंगे और फटाफट वीडियो को खत्म करेंगे और फिर आगे देखेंगे, आगे दूसरे वीडियोस में हम लोग बाकी के मिनरल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले लेड के बारे में बात करें तो लेड जो होती है, दिस इज बेसिकली टू बी यूज्ड एज अ, कह लीजिए कि ग्रेफाइट के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं लेड को। तो ये बेसिकली मैलेबल होती है, शीट के रूप में इसको यूज कर लिया जाता है, बैड कंडक्टर होती है, जिसके कारण से हम लोग इसको न्यूक्लियर या फिर कह लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से बचने के लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं। लेड इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रॉन्ज एलॉय एंड इज ऑल्सो यूज एज एंटी फ्रिक्शन मटेरियल।
लेड ऑक्साइड को यूज किया जाता है केबल कवर को बनाने में, एम्युनिशन को बनाने में, पेंट में यूज कर लिया जाता है, रबर इंडस्ट्री में यूज कर लिया जाता है, इसके अलावा शीट, ट्यूब, पाइप, बहुत सारी चीजों को बनाने में हम लोग लेड का इस्तेमाल कर लेते हैं। जनरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एरोप्लेन में यूज किया जा रहा है, जिसके कारण से लेड की कंटेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेड की कंटेंट हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जिसके कारण से लंग की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर लेड नाइट्रेट के बारे में बात करें तो यह डाइंग और प्रिंटिंग में भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, जिसके कारण से जो भी प्रिंटिंग मशीन वाला बंदा होता है उसकी लाइफ काफी कम हो जाती है, बिकॉज अगेन वही लंग कैंसर हो जाती है, उसको सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। लेड भी अगेन फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, ये भी गैलेना PBS यहां से निकलता है। तो गैलेना जिसका फॉर्मूला होता है PBS यहां से निकलता है, बेसिकली ये सल्फाइड फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। गैलेना जो कि पाया जाता है लाइमस्टोन, कैलकेरियस स्लेट एंड सैंडस्टोन के साथ में। अगर इसके मतलब एरियाज के बारे में बात कर लिया जाए तो कहां कहां पर पाया जाता है, तो ये पाई जाती है बेसिकली राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा 88% पाया जाता है। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद आपका महाराष्ट्र के इलाके में पाया जाता है। आगे अगर बात करें तो हम लोग बात कर लेते हैं जरा जिंक के बारे में। तो जिंक में बेसिकली इट इज ऑल्सो अ मिक्स्ड ओर, जो कि लेड और जिंक एक साथ मिलते हैं। तो जिंक का बेसिकली यूज किसके लिए किया जाता है, अगेन गैलेना, कैल्कोपाइराइट, आयरन पाइराइट, इन सब जगहों से हम लोग जिंक को निकालते हैं। जिंक भी अगेन एक अलॉय के रूप में यूज किया जाता है और गैल्वेनाइजेशन में, मतलब कि उसकी चारों ओर लेयरिंग या कह लीजिए एक लेप लगाने में, कवरिंग करने में यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन द ड्राई बैटरी, इलेक्ट्रोड, टेक्सटाइल, डी कास्टिंग, रबर इंडस्ट्री, इन सब चीजों में, ड्रग में भी यूज किया जाता है। टंगस्टन के बारे में फटाफट देख लेते हैं। टंगस्टन भी बेसिकली एक ओर होता है और ये इंपॉर्टेंट होता है हार्ड करने में। अगर किसी चीज को हार्डनेस, मतलब कि उसकी टफनेस अगर बढ़ानी है तो उसमें हम लोग टंगस्टन मिला देते हैं। ये बेसिकली वॉल्फ्राम से प्राप्त होता है, 95% वॉल्फ्राम से हम लोग टंगस्टन ही निकालते हैं। स्टील कंटेनिंग द रिक्विजिट प्रोपोर्शन ऑफ टंगस्टन इज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एम्युनिशन, आर्मर प्लेट, हैवी गन, इन सब चीजों में टंगस्टन का यूज कर लिया जाता है। टंगस्टन को क्रोमियम, निकेल, मॉलिब्डेनम, टाइटेनियम, इन सब चीजों से मिला करके और ज्यादा इसकी हार्डनेस बढ़ा दी जाती है और साथ में हम लोग इसको कोरोजन रेजिस्टेंट एलिमेंट मिला करके इसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा टंगस्टन में आपको पता होगा कि बल्ब में जो फ्यूज होती है वो भी टंगस्टन की बनी होती है। इसके अलावा पेंट में, सेरामिक्स में, टेक्सटाइल में भी टंगस्टन यूज किया जाता है। अगर देखा जाए इसके इसके कंपोनेंट को कहां कहां पे पाया जाता है, तो देखिए टंगस्टन और जिंक ये दोनों साथ में एक ही जगह पाए जाते हैं। कहां कहां पे, जैसे कर्नाटक, कर्नाटक में काफी ज्यादा टंगस्टन पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के तीसरे नंबर पे हमें आंध्र प्रदेश मिल जाती है। तो यहां पर नंबरिंग में कर देता हूं, दिस इज वन नंबर कर्नाटक सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर राजस्थान, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश में मिलती है और फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र में मिलती है। क्लियर हो गया। लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एक ट्रिक और उस ट्रिक के माध्यम से आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी कहां पर क्या चीज है। तो हमेशा वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखिए, देखते रहिए, लास्टली आपको एक ट्रिक मिल जाएगी और उस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे के पूरे जितने भी मिनरल रिसोर्स हैं जहां जहां पर पाए जाते हैं वो सारी चीजें आप यहां पर गेस कर ले जाएंगे कहां पर क्या चीजें मिल रही हैं। आगे अगर बात करते हैं सल्फर के बारे में, सल्फर को अगर देखें तो सल्फर इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम पाइराइट। तो पाइराइट बेसिकली FeS होता है, जहां पर आयरन का सल्फाइड से हम लोग सल्फर को निकाल लेते हैं। तो चीफ सोर्स इज बेसिकली द सल्फर। High proportion of sulfur is injurious to iron and it is removed. और इस तरीके से हम लोग iron की smelting कर देते हैं, मतलब कि iron की purification कर देते हैं और purification के दौरान में हम लोग iron को अलग कर लेते हैं और sulfur को अलग कर देते हैं। Sulfur का हम लोग अलग अलग use कर लेते हैं। Sulfur का use generally हम लोग कर लेते हैं sulfuric acid को बनाने में, जो कि multiple चीजें और भी आगे industry में use हो जाती हैं। Fertilizer को बनाने में कर लेते हैं, chemicals, rayon, पॉलीमराइजेशन, बहुत सारी चीजों में हम लोग सल्फर का यूज कर लेते हैं। एक्सप्लोसिव को बनाने में, इंसेक्टिसाइड्स को बनाने में, तो काफी ज्यादा वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें कि कहां कहां पे ये मिलता है, तो ये बेसिकली मिलती है बिहार के सोन वैली में। सोन रिवर है, वहीं पर आपको पाया जाता है। बाकी कर्नाटक के भी चित्रदुर्ग हो गया या उत्तर कर्नाडा हो गया, यहां पर भी हमें देखने को मिलती है। बाकी असम में भी कुछ इलाकों में मिल जाती है। तो बेसिकली ये तीन इलाके हैं, बिहार हो गया, असम हो गया, कर्नाटक हो गया, जहां पर हमें सल्फर मिलती है।
हालांकि सल्फर जो होती है थ्रू आउट द कंट्री पाई जाती है, बट ये तीन इलाके कुछ इंपॉर्टेंट है जहां से हम लोग इसको निकालते हैं। तो कौन कौन से इलाके हो गए, एक तो बिहार का इलाका हो गया, साथ ही साथ में झारखंड का भी इलाका है, असम का इलाका है, कर्नाटक का इलाका है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जोन है, कुछ इंपॉर्टेंट इलाके हैं जहां से हम लोग इस किसको सल्फर को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बेसिकली ग्रेफाइट के बारे में और डायमंड के बारे में। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के दोनों कार्बन के अलोट्रोप होते हैं। कार्बन में अगर मान लेते हैं कि 95% अगर कार्बन है तो वो ग्रेफाइट कहा जाता है, और अगर इसमें 100% कार्बन हो जाती है तो उसको हम लोग डायमंड बोल देते हैं। तो बेसिकली ये इलाका हो जाता है। देखिए हम लोग छोटी छोटी वीडियोस इसीलिए इतना कवर कर रहे हैं क्योंकि ये काफी बोरिंग सा चैप्टर हो जाता है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, नए नए स्टोरीज, नए नए तरीके बता करके, जिससे कि आपको इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन अल्टीमेटली देखिए आपको याद ही करना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज में तो कुछ खास नहीं आता है, लेकिन स्टेट पीसीएस में आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर साल जरूर मिलेंगे इससे, और ये काफी स्कोरिंग होता है क्योंकि आपको एक आइडिया बस होना चाहिए और आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। फटाफट स्टार्ट करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट देखिए नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल ऑफ कार्बन होती है, तो बेसिकली ये अलोट्रोप ऑफ कार्बन भी बोला जाता है, तो दिस इज बेसिकली अलोट्रोप, ठीक है, अलोट्रोप हो जाती है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक लेड, तो ब्लैक लेड भी इसे कहा जाता है। कार्बन कंटेंट ग्रेफाइट में मतलब 95% के नियरबाउट होता है, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने इसे डिस्कस ही किया है। तो ग्रेफाइट मे बी कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल जस्ट अबव द एंथ्रासाइट। कोल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कोल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होती है, और पीट होती है, लिग्नाइट होती है, देखेंगे क्या चीज होती है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि एंथ्रासाइट से भी बेटर क्वालिटी का हमें ग्रेफाइट में देखने को मिलता है। कार्बन कंटेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से, ऑलरेडी हम लोगों ने पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, दीज आर द क्वालिटी ऑफ कोल, कोयला होता है, इसके ऊपर में ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट जो कि 95% है, और डायमंड ये 100% कार्बन हो जाती है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आप देख सकते हैं। इट इज नॉट नॉर्मली यूज एज अ फ्यूल बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू इग्नाइट, एंड दैट इज वाई इट्स को यूज किया जाता है न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम लोग ग्रेफाइट रॉड का यूज कर सकते हैं। ये मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक में बेसिकली जनरली पाई जाती है। ग्रेफाइट इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट और क्लीव्स इस तरीके से लाइट प्रेशर की होती है। ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होती है हीट से, और इसी वजह से इसको हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज कर रहे होते हैं। They are formed at the convergent plate boundaries where organic rich shale limestone are subjected to metamorphism due to the heat and pressure. Metamorphism के कारण से जो limestone होती है वो convert हो जाती है किसमें, marble में। जो slate होती है वो schist में convert हो जाती है, जो granite होती है वो gneiss में convert हो जाती है, और इसी तरीके से graphite का भी conversion हो जाता है। Some graphite form from the metamorphic of कोल सीम्स, द ग्रेफाइट इज नोन एज एमॉर्फस ग्रेफाइट। तो जो कोयलेस बनती है उसको हम लोग इस तरीके से बोल देते हैं। ये नॉन मेटल होता है और जनरली इसको नॉन मेटालिक मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसको यूज कर लिया जाता है। नेचुरल ग्रेफाइट इज मोस्टली कंज्यूम्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स या फिर बैटरीज, स्टील मेकिंग, इन सब चीजों में यूज कर लिया जाता है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है, काफी ज्यादा मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है ग्रेफाइट। जनरली कई बार इसको एस्थेटिक्स के रूप में मतलब कि हाउस वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे, पिलर वगैरह पे भी ग्रेफाइट लगा दिया जाता है। नेचुरल एंड सिंथेटिक ग्रेफाइट आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द एनोड ऑफ ऑल द मेजर बैटरी टेक्नोलॉजी, तो बैटरीज में काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी भी मतलब ग्रेफाइट से हालांकि ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन खैर उसको भी यूज कर लिया जाता है। नेचुरल ग्रेफाइट इज दिस एंड यूज गोज इनटू कार्बन रेजिंग इन मोल्टन स्टील, तो इस तरीके से स्टील को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी इसको यूज कर लिया जाता है। देखिए मल्टीपल यूजेस है, केवल आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कहां कहां पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बाकी ब्रेक लाइनिंग जो व्हीकल्स होती है उनकी ब्रेक लाइनिंग भी इसी ग्रेफाइट से की जाती है। देखिए हार्डनेस के कारण से इसका यूज कर लिया जाता है। बाकी ग्रेफाइट की लुब्रिकेंट भी होती है, पेंसिल जो आजकल है वो भी ग्रेफाइट और क्ले से ही मिला करके बनाई जाती है। नेचुरल ग्रेफाइट अगर हम लोग देखें कि ग्रेफाइट कहां कहां पर पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा ग्रेफाइट पाई जाती है हमें तमिलनाडु में, तमिलनाडु के इलाके नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पाई जाती है झारखंड में, तो दिस इज बेसिकली नंबर 2 वेयर झारखंड, जहां पर हमें ग्रेफाइट पाई जाती है। नंबर 3 हमें उड़ीसा में मिल जाती है, तो दिस इज बेसिकली द उड़ीसा, और यहां पर हमें मिल जाती है। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें
तो वर्ल्ड वाइड चाइना में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट देखने को मिलती है, तो नंबर वन पे आ जाती है चाइना। सेकंड नंबर इंडिया में है, इंडिया में सेकंड नंबर की ग्रेफाइट होती है। थर्ड नंबर पे हमें ब्राजील में देखने को मिलती है, फोर्थ नंबर पे हमें कनाडा में देखने को मिलती है, और फिर फिफ्थ नंबर पे हमें कोरिया में देखने को मिलती है। तो कोरिया सच नॉट इंपॉर्टेंट, हम लोग फर्स्ट थ्री याद करते हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप याद कर लीजिएगा ग्रेफाइट के बारे में। आगे अगर बात करें हम लोग तो डायमंड के बारे में देख लेते हैं। तो डायमंड बेसिकली हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होती है। हार्डनेस को लेकर के एक सीक्वेंस भी होती है, जैसे फिल्डस्पार और इस तरीके से टैल्क वगैरह होती है, डायमंड होती है। तो हम लोग इसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में देख लेंगे, जब हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पर हार्डनेस का एक स्केल होता है, मतलब वहां पर 10 एलिमेंट्स होते हैं और उसके हार्डनेस का एक स्केल होता है। उस स्केल में डायमंड सबसे नीचे आता है, मतलब डायमंड 10th लेवल पे आती है। ये मतलब कि सबसे ज्यादा हार्डेस्ट फॉर्मेट में होती है। तो नंबर ऑफ चीजें होती है, फिल्डस्पार होती है, कुरंडम होती है, डायमंड होती है, देखेंगे क्या चीज है। तो डायमंड आर फॉर्म्ड इन द मेंटल, क्योंकि बहुत ज्यादा मेटामॉर्फिज्म के कारण से बनती है। दे ब्रॉट टू द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द वोल्केनिज्म, दैट इज क्वाइट श्योर आपको होना चाहिए यहाँ पर। डायमंड इज द डायमंड आर यूज इन ऑर्नामेंट्स, पॉलिशिंग एंड जेम कटिंग, इन सब चीजों में यूज किया था। इनफैक्ट डायमंड के लिए होता है कि डायमंड को अगर आप बर्न करेंगे, इसको जलाएंगे, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूज ऑफ डायमंड इज कटिंग ऑफ ड्रिल्स यूज फॉर द एक्सप्लोरेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है। और जितने भी, जैसे क्या होती है, शीशा जो होता है मिरर, तो शीशे को काटने के लिए हम लोग डायमंड की यूज करते हैं। अगर बात करें डायमंड कहां कहां पर पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में पन्ना में पाई जाती है। तो पन्ना, जहां पर एक टाइगर रिजर्व भी है, तो पन्ना में हमें मिल जाती है, पन्ना बेल्ट में पाई जाती है मध्य प्रदेश में। आगे बात करें तो हमें आंध्र प्रदेश में मिलती है। आंध्र प्रदेश में अनंतापुर के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो अनंतापुर में पाई जाती है। साथ ही साथ में यहाँ पर कृष्णा रिवर वैली भी है, तो कृष्णा रिवर में भी हमें डायमंड देखने को मिलती है। बाकी कर्नाटक में भी मिलती है, तो कर्नाटक में कुछ इलाके हैं जैसे रायचूर CHUR, रायचूर, गुलबर्गा, तो ये वो इलाका है जहां पर हमें गुलबर्गा इलाके में डायमंड देखने को मिलता है। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा, हालांकि सबसे बड़ा तो हमें साउथ अफ्रीका से मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा रशिया से निकाला जाता है। तो प्रोडक्शन वाइज रशिया नंबर वन पे बना हुआ है। सेकंड नंबर पे बोट्सवाना आती है, तो बोट्सवाना बेसिकली द अफ्रीकन कंट्री जहां पर हमें मिलती है। थर्ड नंबर पे हमें कनाडा से देखने को मिलता है, और इसके अलावा हमें अंगोला से भी देखने को मिलता है। तो दिस इज बेसिकली यहां पर अंगोला आ जाती है, अफ्रीका की कंट्री है, फिर साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद से कॉन्गो में आ जाती है। तो ये देखिए इलाका मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मोस्टली आप देखेंगे तो इलाका अफ्रीका का ही मिलेगा। जैसे नामीबिया का इलाका हो गया, बोट्सवाना हो गया, सीरिया लियोन हो गया, यहाँ पर देखिए सीरिया लियोन भी पाई जाती है, जहां पर आज की डेट में इंटरनल वॉर काफी, सिविल इंटरनल वॉर काफी ज्यादा चल रहा है। तंजानिया हो गया, दिस इज बेसिकली द तंजानिया हियर, तो तंजानिया में भी पाई जाती है, बोट्सवाना, लेसोथो में पाई जाती है। तो यहाँ पर कई सारे कह लीजिए कि अफ्रीकन कंट्रीज है जहां पर हमें इस तरीके से डायमंड मिलती है। कुछ पार्ट ऑफ इलाके ऑस्ट्रेलिया में भी डायमंड पाए जाते हैं, लेकिन बाकी और कहीं पर भी ज्यादा डायमंड नहीं मिलते हैं। तो नेक्स्ट हमारी आती है नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। इस नॉन मेटालिक मिनरल में कई सारे चीजें हैं, और इन सारी चीजों में ज्यादा कुछ खास डिस्कशन करने को नहीं है, इसलिए हम लोग इसको एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे। नॉन मेटालिक मिनरल के बारे में आपको पता ही होगा, जिसमें मेटल्स नहीं होते हैं उनको हम लोग नॉन मेटालिक मिनरल कहते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नाम, जैसे माइका हो गया, लाइमस्टोन हो गई, डोलोमाइट हो गई, एस्बेस्टॉस हो गई, मैग्नेसाइट, कैनाइट, सिलेमेनाइट और जिप्सम, ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं जिसको कि हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइका के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए, तो माइका आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये घरों में काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसका यूज, एक तो माइका का यूज कर लिया जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, साथ ही साथ कुछ अदर भी हाउस होल्ड इक्विपमेंट में यूज कर लिया जाता है। दे आर बेसिकली naturally occurring non-metallic mineral that is based on collection of silicate. It is very good insulator, और इसी वजह से इसको electrical industry में काफी ज्यादा use किया जाता है। High voltage, low power loss, इस कारण से भी इसका use कर लिया जाता है, इतना important नहीं है। बाकी toothpaste और cosmetics में भी इसको glittery appearance देने के लिए use किया जाता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हमें माइका बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो है बेसिकली आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के इलाके।
देखते हैं फटाफट मैप में, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहां पर आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा नंबर वन पे मिलती है, नंबर टू राजस्थान, नंबर थ्री उड़ीसा में मिलती है, नंबर फोर महाराष्ट्र, बिहार और फिर झारखंड। तो बेसिकली नंबर फोर, नंबर फाइव एंड नंबर सिक्स इस तरीके से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। लेकिन ये जो हम लोगों ने बात किया वो बेसिकली रिजर्व के फॉर्मेट में बात किया, लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्शन वाइज बात करें तो प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश ही फिर से आती है। तो आंध्र प्रदेश नंबर वन पे आती है। यहां पर मिनरल्स जो इलाके हैं वो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसके अलावा विशाखापत्तनम में भी, या वाइजाग लिख देते हैं इसको, यहां पर भी पाई जाती है। सेकंड नंबर पे राजस्थान में अगेन है, और यहां पर भी उदयपुर में काफी ज्यादा माइका पाई जाती है। तीसरे नंबर पे हमें झारखंड देखने को मिलती है, और झारखंड में कोडरमा इलाका है, कोडरमा इलाके में हमें कोडरमा इस इलाके में काफी ज्यादा मिलती है, बाकी हजारीबाग में भी हमें देखने को मिल जाती है। ट्रेड के बारे में अगर बात करें माइका के, तो ट्रेड बेसिकली इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माइका है। इनफैक्ट कहा जाता है कि इंडिया में माइका का वरदान है, मतलब माइका का 60% जो है इंडिया में ही पाई जाती है। तो सर्टेन ग्रेड ऑफ इंडियन माइका आर एंड विल रिमेन वाइटल टू द वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो जहां पर भी इनको जरूरत होगी वो माइका इंडिया से ही एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। मेजर एक्सपोर्ट जो होते हैं वो कोलकाता और वाइजैक के इलाके से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगेन झारखंड हो गई, वो कोलकाता के पास में आ जाती है, और बाकी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये विशाखापट्टनम पोर्ट के पास में आ जाती है। इंपोर्ट जो इंपोर्ट करते हैं वो अभी हम लोगों ने देखा ही था लास्ट सेशन में कि जापान, जहां पर कुछ नहीं पाया जाता लेकिन सब कुछ बनाता है, तो जापान, यूएस और यूके बेसिकली इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो बात करें हम लोग लाइमस्टोन के बारे में, फटाफट देख लेते हैं क्या चीज है। तो लाइमस्टोन बेसिकली होता है जो कैल्शियम का होता है, तो बेसिकली ये कैल्शियम मिनरल्स होते हैं। तो दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड डबल कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और मिक्सचर ऑफ बोथ। दे ऑल्सो कंटेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, फॉस्फोरस, ठीक है। बाकी ये सेडिमेंट्री ओरिजिन के होते हैं, सेडिमेंट्री एरियाज में ज्यादा पाए जाते हैं। 75% ऑफ लाइमस्टोन इज यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री। बेसिकली इस लाइमस्टोन से हम लोग कन्वर्ट करके बना देते हैं कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम लोग जिप्सम या फिर कह लीजिए जिप्सम के माध्यम से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सीमेंट को बनाने में। तो सीमेंट के सहारे हम लोग इसको यूज कर ले रहे होते हैं। तो बेसिकली ये आगे जाके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम आ जाती है। इसके अलावा लाइमस्टोन का यूज हम लोग पेपर, शुगर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी करते हैं। बाकी कुछ इलाके हैं जहां पर लाइमस्टोन पाई जाती है, जैसे मोस्टली अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तमिलनाडु, इस इलाके में काफी ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे अगर मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट माइंस के बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के इलाके में जैसे जबलपुर हो गया, जबलपुर में काफी ज्यादा है। सतना में, सतना सीमेंट का भी आपने नाम सुना होगा, तो सतना में मिलता है, बीतुल में मिलती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट माइंस हैं। बाकी राजस्थान में तो मिलता ही मिलता है, उदयपुर के पास में भी मिलता है, आंध्र प्रदेश में भी मिलता ही मिलता है, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी हमें मिल जाती है। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पर लाइमस्टोन पाया जाता है। इसके बाद हमारी आती है डोलोमाइट। डोलोमाइट में हम लोग देख लेते हैं पहले क्या चीज है। तो बेसिकली लाइमस्टोन विद मोर देन 10% ऑफ मैग्नीशियम, उसको हम लोग डोलोमाइट बोलते हैं। तो ये जो डोलोमाइट होती है ये बेसिकली मैग्नीशियम का ओर होता है, हालांकि ये काफी कॉम्बिनेशन में मिलती है लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम का कंटेंट ज्यादा होता है। तो अगर परसेंटेज 45% से ज्यादा होता है उसको हम लोग डोलोमाइट बोल देते हैं। ये बेसिकली यूज कर लिया है फर्नेंस में, मतलब आगे जाकर के इसकी प्योरिफिकेशन करके हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। मैग्नीशियम की हम लोग इसको एक्सप्लोसिव्स में यूज करते हैं। तो जितने भी आप बम पटाखे जलाए होंगे उसमें आगे देखिए, ये मान लेते हैं बम है, तो आगे एक पतली सी डोरी, सुतली लगी होती है जिसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से कोटिंग होती है, तो ये बेसिकली मैग्नीशियम ही होता है। तो मैग्नीशियम का यूज किया जाता है इसमें। तो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री इज द चीफ कंज्यूमर ऑफ डोलोमाइट, फॉलोड बाई फर्टिलाइजर, फेरो एलॉयज एंड ग्लास। बाकी ये हर मतलब कंट्री के बहुत सारे पार्ट में पाई जाती है, मेनली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इस इलाके में ज्यादा पाई जाती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में तो मतलब समझ लीजिए मोर देन 50% ही पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यही दो इलाके हैं जहां पर हमें सबसे ज्यादा डोलोमाइट देखने को मिल जाती है। बाकी एस्बेस्टॉस है, अगेन एस्बेस्टॉस का यूज हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज्यादा करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में एस्बेस्टॉस की रॉड्स होती हैं, यहां पर हम लोग इसका यूज कर ले रहे होते हैं। बेसिकली टू क्वाइट डिफरेंट मिनरल आर यूज्ड, इंक्लूड इट्स नेम, वन इज अ वैरायटी ऑफ एम्फीवोल एंड अदर इज सर्पेंटाइन। हालांकि इतना डिटेल आपको जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए कि एक एस्बेस्टॉस चीज होती है जहां से हम लोग इसको निकाल रहे होते हैं। इसकी जो ओर होती है उसको बोला जाता है क्राइसोटाइट, जहां से हम लोग
एस्बेस्टॉस को निकालते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है और इसके कारण से हम लोग इसको फायर रेसिस्टेंट बनाने वाली जो भी चीजें होती हैं उसमें यूज कर ले रहे होते हैं, चाहे वो फायर प्रूफ क्लोथ हो, चाहे रबर हो, चाहे पेपर हो, चाहे कुछ भी हो। क्लियर हो गया क्या चीज है? बाकी हम लोग इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यूज कर ले रहे होते हैं। एस्बेस्टॉस सीमेंट भी हम लोग यूज करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में हम लोग इसको यूज कर ले रहे होते हैं। तो इट इज वेरी ब्रिटल एंड इज ऑल्सो मेड इन टू फिल्टर पैड्स फॉर द फिल्टरिंग एसिड। तो इस तरीके से हम लोग चीजें यूज कर लेते हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये दो इंपॉर्टेंट इलाके हैं जहां पर हमें एस्बेस्टॉस मिलती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि एस्बेस्टॉस जो मिल रही थी वो बेसिकली आंध्र प्रदेश वाले इलाके में मिल रही थी, आंध्र प्रदेश कर्नाटक के दो रीजन थे। आगे बात करें अगर मैग्नेसाइट के बारे में, अगेन मैग्नीशियम का एक प्रोडक्ट मैग्नीशियम रॉक्स में पाई जाएगी। तो दे आर प्राइमरली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। तो जितनी ईटें होती हैं उसको बनाने में हम लोग इसका यूज कर ले रहे होते हैं। क्लियर हो गया? और बाकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में यूज होती है, स्टील इंडस्ट्री में भी कुछ हद तक हम लोग इसका यूज कर ले रहे होते हैं, दैट इज ऑल। और बाकी देख लीजिए कहाँ पर पाई जाती है, तो ये उत्तराखंड और तमिलनाडु राजस्थान में भी पाई जाती है। तो राजस्थान तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड नंबर पर राजस्थान में पाई जाती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर राजस्थान इलाका दो नंबर पे और जो इलाके हैं तमिलनाडु, तो यहाँ पर जो होता है काफी ज्यादा पाया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग क्या चीज है। आगे हमारे पास आता है कैनाइट के बारे में। कैनाइट भी अगेन देखिए ये सब कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसको गो थ्रू करना है आपको, एक बस चीजें मिल जानी चाहिए क्या चीज है। तो दिस बेसिकली अकर्स इन द मेटामॉर्फिक एल्यूमिनस रॉक। तो एल्यूमिनियम वाली चीजों में ये ज्यादा मिलती है, यानी मेटलर्जिकल एक्टिविटी जहां जहां पर भी सिरामिक की जाती है, ग्लास की जाती है, सीमेंट की होती है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। दीज आर बीइंग बेसिकली यूज फॉर द मेकिंग स्पार्क प्लग, जो ऑटोमोबाइल में लगाई जाती है वो कैनाइट की ही बनी होती है। इंडिया जो होता है कैनाइट में काफी ज्यादा मतलब अच्छा डिपॉजिट रखता है। एंड ऑल द थ्री गेट ऑफ कैनाइट आर फाउंड हियर। तो थ्री ग्रेट क्या होते हैं उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो होता है एल्यूमिनियम कंटेंट पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। गुड क्वालिटी होगी अगर एल्यूमिनियम की, तो गुड क्वालिटी ऑफ कैनाइट भी हो जाएगी। कहां कहां पर पाया जाता है, तो अगेन जहां जहां एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो कहां पे झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इस इलाके में कैनाइट ज्यादा पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड ऐसा इलाका है जहां पर लगभग लगभग हर एक तरीके का हमें मिनरल मिल जा रहा है, बाकी महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी हमें ये मिल जा रही होती है। क्लियर हो गया? कंजर्वेशन ऑफ मिनरल के बारे में कि किस तरीके से मिनरल का एक्सट्रैक्शन करना चाहिए, किस तरीके से हम इसे बचा सकते हैं, फटाफट वन बाय वन करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। माइनिंग जो होती है वो एक तरीके की रॉबर इंडस्ट्री, रॉबरिंग मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन माना जाता है। तो माइनिंग को एक इफिशियंट और बेटर तरीके से करना होगा, अच्छे टेक्नोलॉजी से करना होगा, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इसका कमा पाए। तो इसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए इसकी, मतलब हर तरीके से हम प्लांड तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। स्ट्रिंजेंट लॉज भी बनाए जाते हैं, क्योंकि मिनरल्स के कारण से काफी ज्यादा लेबर की डेथ भी हो जाती है, जो भी माइनिंग कर रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है। कई सारे यहाँ पर इलीगल तरीके डिफाइन कर दिए गए, जैसे एक होती है जो रैट माइनिंग की जाती है, इसके बारे में आप लोगों ने काफी न्यूज में भी सुना होगा। लास्ट ईयर मेघालय में एक एक्सीडेंट काफी बड़ा हो गया था, जिसके कारण से मीथेन गैस का रिसाव भी हो गया था और साथ ही साथ इस माइनिंग एरिया में ब्लास्ट हो गया था, और उसके कारण से कई सारे लेबर की यहां पर जान चली गई थी। तो अगेन रैट माइनिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ माइनिंग वेयर मिनरल्स आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड थ्रू दिस टाइप, जहां पर छोटी सी होल करके फिर अल्टीमेटली वहां पर मिनरल की एक्सप्लोटेशन मतलब एक्सप्लोटेशन किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी रखनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज करप्ट प्रैक्टिस के कारण से यहां पर काफी ज्यादा इनइफिशियंसी देखने को मिल जाएगी, और अल्टीमेटली इसके लिए इकोनॉमी ऑफ द कंट्री को काफी जिम्मेदार होना पड़ेगा। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल भी करनी पड़ेगी, जिससे जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग कम कर सके और ज्यादा से ज्यादा चीजों को यूज कर सके। स्केयर्स एंड एक्सपेंसिव मिनरल मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड विद अबंडेंट वन। जैसे एल्यूमिनियम काफी अबंडेंट है, लेकिन वही कॉपर है, कॉपर जो होती है वो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, हमारे पास नहीं है। इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग मिनरल्स इंडिया शुड फोकस ऑन द एक्सपोर्टिंग गुड्स मैन्युफैक्चर। जैसे हम लोग अगर रॉ मटेरियल को कर देंगे तो जॉब नहीं बना पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, और जो फायदा है वो ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, तो एक लिमिटेशन आ जाएंगे। लिमिटेशन की बजाय हम लोग इसको ज्यादा अच्छे से करेंगे, बाकी रिसर्च और इनोवेशन ये तो हमारी रखनी पड़ेगी। तो ये थी बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन। हम लोगों ने देखा मिनरल्स को किस तरीके से कंजर्व करना है, किस तरीके से रखना है, दिस इज बहुत स्मॉल डिस्कशन था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा
एनर्जी रिसोर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोयले के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में, और फिर हम लोग उसी तरीके से आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।